الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. मेरे मोहतरम दीनी भाइयों, हालात बिगड़ते हैं कौमों के हाल के बिगड़ने से, लिहाजा हालात के बेहतर बनाने के लिए पहला कदम ये होता है कि कौम अपने हाल को बेहतर बनाए। अल्लाह के फैसले लोगों के दीनी हाल के मुताबिक होते हैं। अगर समाज दीनदार है तो अल्लाह ताला की तरफ से रहमत का नुज़ूल होता है, खैर व बरकत नाज़िल होती है और अल्लाह ताला की तरफ से नुसरत आती है। लेकिन जब कौम का हाल बिगड़ जाता है और बिगाड़ समाज के 1, 2, 10, 15 लोगों में नहीं बल्कि आम तौर से समाज में बिगाड़ का माहौल दिखाई देने लगता है, कौम की उमूमी हालत बिगाड़ वाली हो जाती है, तो फिर अल्लाह ताला के फैसले भी उसी के मुताबिक आते हैं। फिर अल्लाह ताला की तरफ से लानत, मुसीबत और महरूमी के फैसले होते हैं, अजाब के, तकलीफ के, जुल्म वाले फैसले होते हैं कि कौम के ऊपर लोग जुल्म करने लगते हैं, जालिम लोग। अल्लाह जुल्म नहीं करता किसी में, लेकिन अल्लाह ताला फिर दूसरों को मुसल्लत कर देता है जो इन पर जुल्म करते हैं। मकसूद ये होता है कि लोग अल्लाह ताला की तरफ पलटें और अपना एहतिसाब करें, अपने हाल पर गौर करें, उसकी इस्लाह की फिक्र करें। बिलाशुबा जब बुरे हालात आते हैं उमूमी तौर पर समाज के ऊपर, कौम के ऊपर, तो खारजी एतबार से भी सोचना पड़ता है कि क्या मसाइल हैं, इनके हल के लिए क्या असबाब इख्तियार किए जाएं, सियासी, माशी, मादी एतबार से। खारजी असबाब का इस्तेमाल करना, इस तरफ भी ध्यान देना पड़ता है, लेकिन इससे ज़्यादा दाखिली हालत को सोचना पड़ता है कि अंदर क्या मसला है, हमारा अपना क्या मसला है। बाहर वालों की साजिशें, बाहर वालों का जुल्म वो अपनी जगह होता है, उसके हल के लिए भी सोचना पड़ता है। लेकिन इसी के साथ साथ बल्कि इससे ज़्यादा ये सोचना पड़ता है कि हमारी तरफ से क्या कोताही हो रही है जो ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। लिहाजा जब ऐसे बिगाड़ के माहौल में मुसलमानों के हालात बिगड़ते हैं तो उस वक्त में कौम को सोचना पड़ता है और कौम को इस बात का अहतमाम करना पड़ता है कि वह अपना ज़ाती एहतिसाब करे और अपनी इस्लाह की फिक्र करे, वो अपने हाल को बदले ताकि अल्लाह ताला उसके हालात को बदले। और जब तक ये नहीं सोचते हैं तब तक ऐसा ही चलता रहता है, अल्लाह का कानून बदलता नहीं है, अल्लाह किसी की बेजा तरफदारी नहीं करता है। कोई ऐसा नहीं है कि बस अल्लाह का प्यारा बना रहे, चाहे अल्लाह ताला के महबूब आमाल को तर्क करता रहे, अल्लाह की मर्ज़ियात को नज़रअंदाज करता रहे, अल्लाह के अहकाम को पीठ दिखाता रहे। वो अल्लाह का ना बने और चाहे कि अल्लाह उसका बन जाए। अल्लाह का बनने के लिए, अल्लाह को अपना बनाने के लिए खुद अल्लाह का बनना पड़ता है। लिहाजा अल्लाह की तरफ से नुसरत के फैसले, हिफाजत के फैसले तब आते हैं जब बंदा अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में लेता है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के मुताबिक चलने वाला बनता है। लेकिन जाहिर बात है कि समाज में एक दो लोगों का ऐसा होना काफ़ी नहीं है। जब उमूमी तौर पर बिगाड़ आ जाता है और फिर अल्लाह की तरफ से अजाब आता है तो उसकी लपेट में, उसके बहाव में, उस सैलाब में अच्छे भी बह जाते हैं। ये और बात है कि आखिरत में अल्लाह ताला उनकी दीनदारी के मामले को देखते हुए उनके साथ मगफिरत का, रहम का मामला करेगा, लेकिन उमूमी बिगाड़ में अच्छे भी बह जाते हैं। जब सैलाब और सज़ा आती है उसमें वो लोग भी बह जाते हैं, उन पर भी अजाब आता है। उस अजाब की चपेट में, उसकी लपेट में वो लोग भी आ जाते हैं। आखिरत में उनकी नियतें, उनके हाल, उनके आमाल के एतबार से उनका फैसला होगा, लेकिन दुनिया में सब पर एक उमूमी फैसला आता है। लिहाजा अच्छे लोग भी अगर चाहते हैं कि वो बचे रहें तो उनको अपनी अच्छाई पर इक्तिफा नहीं करना चाहिए, उनको अपनी अच्छाई पर कनात नहीं करना चाहिए कि बस हम अच्छे, बाकी सारे लोगों का हाल हो जाने। अगर ऐसा वो सोचे और बिगाड़ बढ़ता रहे और फिर लोगों पर अल्लाह की तरफ से अजाब आए तो इसकी शिकार ये भी होंगे। लिहाजा अपनी हिफाजत के लिए, अपने को बचाने के लिए समाज को भी बचाने की फिक्र करना ज़रूरी है। आज जो हालात आलमी तौर पर और खुसूसन हमारे मुल्क की सतह पर हम देख रहे हैं, बिलाशुबा खारजी अवामिल, बाहर के असबाब हैं, इस्लाम दुश्मनी, मुसलमान दुश्मन, ये सारे हालात तो हैं, इसका इनकार करना जहालत है। लेकिन इससे बड़ी जहालत ये है कि मुसलमानों की दाखिली कमज़ोरियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए कि हम तो बहुत अच्छे हैं लेकिन बाहर से दुश्मन हैं। ऐसा है नहीं, खुद हमारी भी तो कमज़ोरियाँ हैं जिसकी वजह से हम अल्लाह की हिफाजत और उसकी नुसरत से महरूम हो गए। लिहाजा इस हालत के बदलने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी हालत को बदलने की भी फिक्र करें, बल्कि ज़्यादा फिक्र करें। इसीलिए कुरान करीम की जो आयत मैंने पढ़ी उसमें यही बात अल्लाह ने बयान की। देखिए, कुरान करीम एक ऐसी किताब है जो क़यामत तक के लिए मसाइल का हल हमको देती है। ये अल्लाह का कलाम है जो क़यामत तक के लिए, उसके लिए बका है। अल्लाह ताला ने उसको क़यामत तक के लिए उसकी हिफाजत का खुद ज़िम्मा दिया और इसमें क़यामत तक के मसाइल के लिए हल भी मौजूद है। किसी नए दीन की, नई शरीयत की, नई रहनुमाई की, नई वही की, नए नबी की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, इन्ना अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम के हाल को नहीं बदलता, किसी कौम के हालात को अल्लाह नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपने हाल को न बदले। ये मनफी माना के एतबार से भी है, मुस्बत माना के एतबार से भी है। इसमें मैसेज नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। यानी अगर अच्छे हाल में कौम हो और उसके बाद अपने आप को बिगाड़ ले फिर अल्लाह की तरफ से अजाब आता है। जब तक कि वो अच्छे थे अल्लाह का मामला अच्छा था, अल्लाह ताला यूं ही किसी को अजाब में, मुसीबत में मुब्तला नहीं करता जब तक कि खुद अपने आप को ना बिगाड़े। जब वो अपने हालात, अपने हाल को बिगाड़ते हैं अल्लाह उनके हालात को बिगाड़ता है। इसीलिए इब्न कतीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं, युखबिरु तआला अन तमाम अदलिही व क़िस्तिही फ़ी हुक्मिही। अल्लाह ताला अपने अदल के कमाल और अपने फैसलों में अदल, क़िस्त के बारे में फरमाता है, بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد कि अल्लाह ताला किसी कौम को जिसको नेमत में अल्लाह ने रखा है, अल्लाह ताला ने उस पर नेमतें डाली हैं, डेली हैं, अल्लाह ताला उसके इस हाल को बदलता नहीं है जब तक कि वो ऐसे असबाब न पैदा कर दे जो गुनाह वाले हों, कि गुनाह करके इन नेमतों के हटने के असबाब खुद पैदा न करें। खुशहाल थे, लेकिन खुशहाली में इन्होंने क्या किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें उन पर आती रहीं, सरकश हो गए, बिगाड़ में आ गए, राहत में, आसाइश में, बेफिक्री में थे, लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, अपने आप को बिगाड़ा। जब इन्होंने अपने को बिगाड़ा तब जाकर अल्लाह ताला इनके हालात को बिगाड़ता है। यूं ही अल्लाह किसी पर अजाब भेजता। तो इस आयत से बात मालूम होती है, सूरे अर्राद की आयत नंबर 11 है, कि कौमों के हालात कब बिगड़ते हैं, जब उनका हाल बिगड़ता है। इसके बिलअक्स अगर आप सोचें तो बिगड़े हुए हालात के बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर वही बात है, अपने हाल को बदलना पड़ेगा, उस बिगाड़ की इस्लाह करनी पड़ेगी जिस बिगाड़ की वजह से हालात बिगड़े हैं। उस बिगाड़ के लिए अकीदे का बिगाड़, इबादात में बिगाड़, अखलाक का बिगाड़, मामलात का बिगाड़, मर्दों में, ख्वातीन में बिगाड़, ये सारा बिगाड़ अगर इसको दूर नहीं किया गया तो हालात का बिगाड़ भी दूर नहीं होगा। फिर अल्लाह ऐसों को मुसल्लत करेगा जो जुल्म करेंगे, फिर दुआ करेंगे अल्लाह बचा, मदद नहीं आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी खबर दी। इस उम्मत की जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है, और वो दायमी है, कि वो लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाएं, भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोके, और कामयाबी को अल्लाह ताला ने इसके साथ जोड़ा है। मालूम हुआ कि उम्मत मुस्लिमा की या किसी भी कौम की, समाज की फलाह और उसकी खैर और नजात और कामयाबी का मदार इस पर है कि उसमें ऐसे लोग हमेशा रहें जो लोगों को खैर की दावत दें, खैर की तरफ बुलाएं और अच्छी बातों का हुक्म दे, बुरी बातों से मना करे। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुम में कुछ लोग ऐसे हमेशा होने चाहिए, लाजमी है कि वो हों। क्या करें वो, यदऊना इलल खैर, जो लोगों को दाइमन खैर की तरफ बुलाते रहे, तौहीद की तरफ, सुन्नत की तरफ, इबादात की तरफ, अखलाक की तरफ बुलाते रहे। वयअमुरून बिलमअरूफ वयनहौन अनिल मुनकर, और भलाई का हुक्म देते रहे और बुराइयों से, मुनकरात से रोकते रहे, मना करते रहे। और अल्लाह ने फरमाया, वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। अल्लाह ने कामयाबी को जोड़ा इस काम के साथ कि उम्मत में ऐसे लोग रहें, एक दो चार नहीं, इतने जिनकी ज़रूरत है, जितनों की ज़रूरत है, जिससे किफ़ायत हो, कि ऐसे लोग रहें जो खैर की तरफ दावत दें। खैर क्या है, अल्लाह का दीन, वो दावत दें, कौमों को, लोगों को दीन की तरफ बुलाएं। और फिर उम्मत में अहकाम अल्लाह के, चाहे वो अक़ीदे के अतबार से हों या इबादात के अतबार से हों या अखलाक के अतबार से हों, उनको हुक्म दें, ये करो और मना करें, ये मत करो। वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। लेकिन इस काम को छोड़ के जब कौम बट जाए कि वो दूसरी कौमों को इस्लाम की तरफ बुलाएं, ये जिम्मेदारी थी। यदऊना इलल खैर, ये काम छोड़ के इतनी दूर हो जाएं कि खुद इसके अंदर बिगाड़ पैदा हो जाए और आपस में लड़ने लगे। असल काम छोड़ के आपस में इख्तिलाफ में पड़ जाएं तो फिर अल्लाह की तरफ से अजाब आता है। लोगों को हक की तरफ बुलाने की जिम्मेदारी छोड़ के खुद यही हक से दूर हो जाए बल्कि हक का इनकार करने लग जाए। जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए तो फिर अल्लाह की तरफ से लानत आती है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इसी आयत के बाद फरमाता है, वला तकूनू कल्लदीना तफर्रकू वख्तलफू मिन बअद मा जाअहुमुल बय्यिनात, और उन लोगों की तरह ना हो जाना जो फिरकों में बट गए, तफर्रकू वख्तलफू मिन बअद मा जाअहुमुल बय्यिनात, और अल्लाह की तरफ से खुली दलीलें आ जाने के बाद भी उन्होंने हक से इख्तलाफ किया। साफ दलीलें आ गई, कोई शक शुबा उसमें नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की बात सामने आ गई, उससे इख्तलाफ किया। तो अल्लाह ने फरमाया उन लोगों की तरह मत हो जाना जो अलग अलग ग्रोहों में बट गए और उन्होंने हक के आ जाने के बाद, खुली दलीलों के आ जाने के बाद भी इख्तलाफ किया। चाहिए था कि जब हक सामने आ जाता मान लेते और सब एक बात को मानकर एक हो जाते। नहीं, मेरी अकल में ये आता है, मेरी चाहत ये है, हमारा कबीला ये बोलता है, हमारे बाप दादा इस पर हैं, इस तरह करके वो हक से इख्तलाफ करने वाले बन गए और नतीजे में फिरकों में बढ़ गए। उनकी तरह मत हो जाना। क्यों? वउलाइक लहुम अज़ाबुन अज़ीम, इसलिए कि ये लोग हैं जिनके लिए बड़ा ही भयानक अज़ाब है। पहले हिस्से में आयत नंबर 104 में कामयाबी का वादा किया गया और आयत नंबर 105 में अज़ाब की वही सुनाई गई। ये अलमिया है पूरी उम्मत मुस्लिमा का भी कि जिम्मेदारी तो ये थी कि दूसरों के लिए उस हक के दाई बन के खड़े हों जो अल्लाह की तरफ से आया है, उसको मानने वाले, उसको समझने वाले, उस पर अमल करने वाले बने, बल्कि उसकी तरफ बुलाने वाले बने। लेकिन नतीजा ये हो गया कि खुद यही मुखालिफ हो गए। इन्हीं के अंदर ये बात आ गई कि उसी हक को जिसको लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे और जिसको लेकर इनको खड़ा होना था, इन्हीं को उसकी तरफ बुलाने की जरूरत पेश आ रही और यही उसके दुश्मन बन के बैठे हुए हैं। अल्लाह ने फरमाया वउलाइक लहुम अज़ाबुन अज़ीम, यही वो लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 104 और 105 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस आयत के बाद, कुरान करीम की इस आयत के बाद एक हदीस भी हम देखते हैं जिसमें बताया गया कि अज़ाब आने के असबाब क्या होते हैं और हमको भी किस चीज़ की तरफ लौटना ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ़्सी बियदी, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, लतअमुरुन्न बिलमारूफ वलतन्हौन्न अनिल मुनकर, तुम्हें मारूफ का हुक्म देना होगा, मुनकर से लोगों को रोकना होगा। लतअमुरुन्न बिलमारूफ वलतन्हौन्न अनिल मुनकर औ लयूशिकन्नल्लाहु अन यबअस अलैकुम इक़ाबन मिन्हु, वरना करीब है कि अल्लाह ताला अपनी तरफ से तुम पर अज़ाब नाजिल कर दे, इक़ाब अपनी तरफ से भेज दे। सुम्मा तदऊनहु फला युस्तजाबु लकुम, फिर तुम अल्लाह से दुआएं करते रहो और तुम्हारी दुआ बिल्कुल भी कबूल न की जाए। उम्मत के उमूमी हालात के बारे में तुम दुआ करो, तुम्हारी दुआ कबूल न की जाए। कब ऐसा होगा कि मुसलमान दुआ करेंगे लेकिन दुआ कबूल नहीं की जाएगी? जब मुसलमान अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को छोड़ देंगे। हाल ही हो जाए कि इंसान अपनों को भी जिसकी जिम्मेदारी उस पर है भलाई का हुक्म न दे, उसमें बुराइयां देखे खामोश रहे। कि एक इंसान उम्मत में उमूमी तौर पर बेफिक्री और मुदाहनत का माहौल पैदा हो जाए कि कोई आदमी अगर शिर्क में पड़ा है पड़े रहने दो, बिदात में पड़ा है पड़े रहने दो, उसको कोई रोकने वाला नहीं। अल्लाह के अहकाम हैं, उसकी ज़िंदगी में नहीं है, नमाज नहीं है, उसकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला का दीन नहीं है, इबादत नहीं है, अखलाक नहीं है। कौन बोलता है? कोई भी नहीं बोल रहा। पड़ा है, भाई है, बाप है, बेटा है, बीवी है, शौहर है, पड़ोसी है, रिश्तेदार हैं, कोई बोलने वाला नहीं, तू तेरे हिसाब से चल, मैं मेरे हिसाब से चलता हूं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि हम बोलेंगे बुरा लगेगा, हम बोलेंगे ऐसा करो ऐसा मत करो, नाराज हो जाएगा, तो क्यों नाराज करने का, ताल्लुकात खराब होंगे। तो तेरा अल्लाह से ताल्लुक़ ख़राब हो ये चलता, लोगों से ताल्लुक़ात बचाने की फ़िक्र हो और अल्लाह से ताल्लुक़ बिगाड़ने की फ़िक्र ना हो, तो जाहिर बात है कि ये ऐसे ऐसा वक्त है जब अल्लाह की तरफ से पकड़ आती है। आदमी भाइयों में, दोस्तों में, बीवी बच्चों में, रिश्तेदारों में, समाज में आम तौर से बिगाड़ देखे, बुराइयाँ होती देखे, उसके दिल में फिक्र ना हो, उसके दिल में एहसास ना हो कि ये बिगाड़ दूर हो किसी तरह से, वो बस अपनी ज़िंदगी में मगन हो। वो देखे बुराइयों को लेकिन उनके रोकने की कोई फिक्र, उनके ख़त्म करने की फिक्र ना हो, तो अल्लाह का दीन, अल्लाह के दीन के एतबार से समाज में फसाद और बिगाड़ आता रहे और हम चाहें कि दुनिया हमारी बनती रहे, सियासी हालात अच्छे बने, माशी हालात अच्छे बने, हर चीज़ सही चले और दीन का मामला ना हो, बिगाड़ समाज में चलता, दीन बर्बाद होता रहे और हम चाहें कि दुनिया हमारी आबाद हो, कैसे हो सकता है। तुम अल्लाह के दीन को बर्बाद करोगे, अल्लाह तुम्हारी दुनिया को बर्बाद करेगा। फिर अल्लाह की तरफ से ऐसा अज़ाब आता है, फिर लौटते अल्लाह की तरफ। खाली दुआ करने से नहीं होगा, तुम दावत को छोड़ के सिर्फ दुआ में लग जाओगे तो काम बनने वाला नहीं। अपना मकसद और अपना मनसब छोड़ के, अपनी जिम्मेदारी छोड़ के सिर्फ अपने हालात को अल्लाह से मांगते रहो कि अल्लाह हमारे हालात दुरुस्त कर दे, नहीं होने वाला है। इसीलिए क्या कहा कि तुम्हें ज़रूर बिज़रूर तुम्हें चाहिए कि तुम भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो करीब है कि अल्लाह ताला तुम पर अपना अजाब नाजिल कर दे। फिर तुम उसके बाद अल्लाह से दुआएँ करते रहो और अल्लाह तुम्हारी दुआएँ न सुने। हालांकि अल्लाह का वादा है, अल्लाह दुआएं कबूल करता है। फला युस्तजाबु लकुम, तुम्हारी दुआ बिल्कुल भी कबूल नहीं। तो ये जो हालात हैं, ये इमाम अहमद और तिर्मिदी ने इस रिवायत को नकल किया है और सही अल-जामे सगीर में हदीस नंबर 7070 पर यह हदीस मौजूद है। हदीस असल है कैस इब्न अबी हाज़िम। एक और हदीस इसी बाब में सुन लीजिए, जो गलत फहमी बहुत सारे लोगों की, मैं सही ना बाकी लोगों का, मेरे को क्या करना है, मुझको दूसरों से क्या लेना देना, मैं अपना मुकल्लफ हूँ। अच्छी बात है, सुने कुरान की आयत और हदीस। कैस इब्न अबी हाज़िम कहते हैं, क़ाम अबू बकर फ़हमिदल्लाह व अतना अलैह। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पर खड़े हुए और अल्लाह की हम्द व सना की। सुम्मा क़ाल, उसके बाद कहा, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्नकुम तक़राऊन हादिहिल आया, तुम कुरान करीम की ये आयत पढ़ते हो। कौन सी आयत? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा इह्तदैतुम। ऐ लोगो, तुम ये आयत पढ़ते हो, ऐ ईमान वालो, अलैकुम अनफुसकुम, तुम अपने मुकल्लफ हो, तुम पर तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा इह्तदैतुम, अगर तुम खुद हिदायत पर हो तो किसी गुमराह होने वाले की गुमराही तुम्हें नुकसान नहीं दे सकती। तुम कुरान में आयत पढ़ते हो कि ऐ ईमान वालों, तुम्हारे लिए तुम्हारी जिम्मेदारी है, कोई और गुमराह हो तो उसकी गुमराही से तुमको नुकसान नहीं हो सकता है। तो तुम इससे समझते हो कि तुम हिदायत पर हो, बाकी लोग गुमराह हो जाएं तो तुमको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। तो क्या ये दावत देने के पहले की बात है या बाद की बात है? कहते हैं, वइन्ना समिअना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, जबकि हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूँ फरमाते सुना है, इन्नन नास इज़ा रअवुल मुनकर ला युग़य्यिरूनहु औशक अन यउम्महुमुल्लाहु बिइक़ाबिही। लोग जब किसी मुनकर को, किसी गुनाह को, बुराई को समाज में देखें और उसकी इसलाह न करें तो करीब है कि अल्लाह ताला उन पर अपना अजाब भेज दे। यानी यहाँ पर ये बात नहीं कही जा रही कि तुम अपनी फ़िक्र करो बाकी सबको अपने हाथ में छोड़ दो, ये बात नहीं। यहाँ ये कहा जा रहा है कि तुम हिदायत पर अगर हो और कोई गुमराह है तो उसकी गुमराही की पकड़ तुम्हारे ऊपर आने वाली है, तुम अपनी इस्लाह करो और दावत दो। उसके बाद भी अगर कोई गुमराह हो जाता है तो अब दावत देने के बाद, हक वाजे करने के बाद अगर कोई गुमराह हो, तुम्हारी नहीं मानने की वजह से तुम्हारी पकड़ नहीं है। अंबिया के ज़िम्मे नहीं होता कि मनवाएं, अंबिया के ज़िम्मे ये होता है कि समझाएं। अगर वो नहीं मानता है तो उसके गुमराह होने से तुम्हारी पकड़ नहीं होगी कि वो कैसे गुमराह हो गया, तो मालिक उसके नहीं हो। तो यहाँ पर ये बात कही गई है। तो लोगों में गलत फहमी अगर आती है तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि यार तुम पढ़ते हो, लेकिन ये बात भी याद रखो कि हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी है कि कौम, लोग अगर समाज में मुनकरात को फैलते हुए देखें और उन्हें रोकने की कोशिश न करें तो अल्लाह ताला अपना अजाब भेज देता है। इस हदीस को इमाम अहमद, अबू दाऊद, तिर्मिदी, इब्न माजा और इब्न हिब्बान ने रिवायत किया है और अल्फाज इब्न माजा के हैं। इब्न माजा में हदीस नंबर 4005 पर यह हदीस मौजूद है और हदीस सही है। अबू दाऊद के अल्फाज हैं, मा मिन कौमिन युअमलु फीहिम बिल माआसी, जो भी कौम जिसमें गुनाहों का शुयू हो, लोग गुनाह में लगे रहें, गुनाह करते रहें, सुम्मा यक़दिरून अला अन युग़य्यिरू सुम्मा ला युग़य्यिरू, वो इस पर कादिर हों कि उनकी इस्लाह करें, उन्हें बदलें, गुनाहों से फेर के नेकियों पर ले आएं। वो कर सकते थे लेकिन ना करें, कर सकते थे लेकिन वो इस काम को न करें। इल्ला यूशिकु अन यउम्महुमुल्लाहु मिनहु बिक़ाब, तो अल्लाह ताला उन पर अपनी तरफ से आज़ाब भेजता है। यहाँ पर ये बताया गया कि लोगों की इस्लाह कर सकते थे लेकिन फिर भी नहीं, ये नहीं कि भाई बता बता के भी, समझा के भी वो नहीं मानते, ये बात नहीं है कि ये कादिर थे कि समझाएं, इस्लाह करें, रोकें गुनाहों से, लेकिन इन्होंने अपना काम नहीं किया, लोगों को उनके हाल पर छोड़े रखा, तो अल्लाह ताला अपनी तरफ से उन पर क्या भेजता है, आज़ाब भेजता है। तो कभी हम ये भी सोचते हैं कि हालात जो बिगड़ रहे हैं उनमें कहीं ये भी तो बात नहीं, उसके असबाब में भाई फलाने इलेक्शन में ऐसा हुआ तो ऐसे हालात आ गए, हमने फलाने ये नहीं किया, प्रोटेस्ट नहीं किया, या हमने फलाना कानूनी कार्रवाई नहीं की तो ऐसे हालात पैदा हो गए, ये तो सभी सोच रहे हैं। लेकिन क्या हम ये भी सोच रहे हैं कि हमने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया कि दीन पर चलें या न चलें, हमने उनको बोलना छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि हम उनसे ताल्लुकात अच्छे रखने में इतने ज़्यादा मगन हो गए कि हमने अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को ख़राब कर लिया। हमने लोगों के बिगाड़ की इस्लाह की कोशिश वैसे नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। उमूमी सतह पर करने वाले तो करते रहते हैं, लेकिन क्या वो काफ़ी है? क्या उससे समाज में खैर बढ़ रही है कि शर बढ़ रहा है? आज देखिए माशरे का हाल, आप देखिए इबादात का हाल देखिए, मोर्चे में जितने लोग होते हैं उतने नमाजों में हैं। आप सोचिए, लोग फखरिया भेजते हैं वीडियोस, यहाँ से देखे तो वहाँ तक भीड़ दिखाई देगी, देखो बोले ये मुसलमानों का कैसा रेला है, कितने मुसलमान हैं देखो। तो प्रोटेस्ट में तो आए ये लोग, नमाज में कहाँ थे ये लोग? यानी तुम हुकूमत के सामने पहुंचने में, पेश होने में तो इतने ज़्यादा हो, रब्बुल आलमीन जो सबसे बड़ा बादशाह है उसके सामने पेशी के लिए तुमको बुलाया जा रहा है और तुम उसके लिए नहीं हो हाजिर, कैसे हालात? हुकूमत तुम्हारे हालात बदलेगी? उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मरतबा लोगों के सामने थे, कहने लगे, अला तरौना हाहुना इन्नल अम्र मिन हाहुना, वहाँ देखते हो, आसमान की तरफ इशारा किया है, वहाँ देखते हो फैसला वहाँ से होता है। फैसला कहाँ से होता है? फैसला पार्लियामेंट हाउस से नहीं होता है, फैसला आर्श से होता है। हम आर्श वाले के नहीं बने, हम लोग पार्लियामेंट वालों के बन रहे हैं। ऐसे हालात हम गिरे पड़े ऐसे हो जाए, सोच हमारी ऐसी गिर जाए तो बताइए कैसा होगा कि हमारे अंदर हुकूमत के सामने, लोगों के सामने पेशी के एतबार से इतनी फिक्र हो कि इतनी भीड़ की जिसका शुमार मुश्किल हो जाए, लेकिन हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश होने के एतबार से हम लोग कमज़ोर पड़ जाएं तो बताइए हम, हमारा हाल फिर बिगड़ेगा नहीं तो क्या होगा। इबादत का ये हाल, और लोग कानून बता रहे हैं फलाने दफ़ा देखो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन, हर आदमी बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमको ये करना है फलाना। मुल्क का कानून रब्बुल आलमीन की शरीयत कुरान करीम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, इसके ताल्लुक से तुम्हारे अंदर फिक्र कहाँ है? इसको पसे पुष्ट डाल के तुम दुनिया में कामयाब होना चाहते हो। मुसलमानों में बेपर्दगी हो, हराम खाना हो, इबादत में कोताही हो, घरों के अंदर दीनदारी ना हो। हम चाहते हैं कि खैर व बरकत आए। मुसलमान बच्चियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ में गाड़ियों पर बुर्दे पहन के और गार्डनों में उनके साथ में गले में हाथ डाल के बैठी रहें और लोग अपने हाल में मगन रहें। सिनेमा और थिएटरों में लोग अपने औकात को गुजारें, क्लब्स में जाएं, नौजवान सुबह से शाम तक मोबाइल में बेहयाई देखता रहे, मुस्लिम औरतें टिकटॉक के ऊपर वीडियो डालती रहें, कोई बोलने वाला ना और कमेंट में सब सुभान अल्लाह माशाल्लाह बोलने वाले हो, तो उस कौम पर अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तो क्या होगा? जहाँ घर के अंदर दीनी माहौल ना हो, शफकत और मोहब्बत और इस्लाह ना हो, दीन सीखने सिखाने का माहौल ना हो, वहाँ खैर की उम्मीद की जा सकती है, अल्लाह की तरफ से रहमत नाजिल होने की उम्मीद की जा सकती है। और खैर हमारे अंदर भी तो कुछ कमी है, कहीं हमने भी तो नुकसान अपना किया है, सिर्फ बाहर वालों ने हमारा नुकसान किया है नहीं, बाहर वालों ने तभी किया है जब हम अपने नुकसान के लिए असबाब हमने खुद पैदा कर दिए। तो यहाँ पर ये याद रखने की चीज़ है कि जब इस जिम्मेदारी को लोग नहीं निभाते हैं, सब अपने अपने हिसाब से मगन रहते हैं कि मुनकरात फैलते जाएं और कोई रोकने वाला ना हो, कोई समझाने वाला ना हो, लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए, तब अल्लाह ताला की तरफ से अजाब नाजिल होता है। ये बहुत अहम नुक्ता है जिसको याद रखना ज़रूरी है। लिहाजा मुसलमानों के हालात जब बिगड़ें उन्हें खुद अपने हाल की इस्लाह की फिक्र करना चाहिए। बाहर की चीज़ें अपनी जगह हैं, कानूनी कार्रवाइयाँ, सियासी इकदाम और वो सब अपनी जगह हैं, शरीयत के दायरे में इन सब चीज़ों का एहतमाम किया जा सकता है, जो चीज़ें जायज़ हैं। हुकूमत से बात करना, अपने लिए हिफाजत का इंतज़ाम करना, वो सारी चीज़ें अपनी जगह है, लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से सारी चीज़ों का मुतालबा करना, वो सब अपनी जगह है। लेकिन ये कि हम अपने माशरे में ऐसे हालात पैदा करें कि अल्लाह हमसे नाराज़ ना हो, कि हम दीनदारी का माहौल बनाएं, अल्लाह से जुड़ने वाले बने, अल्लाह से जोड़ने वाले बने। ये पहला नुक्ता है जिसको याद रखना ज़रूरी है। इस एतबार से हमको क्या करना चाहिए? इस एतबार से समाज हमारा बेहतर समाज बने, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, ताकि फिर समाज जब अच्छा बने, समाज के हालात जब दुरुस्त हों, तो अल्लाह के फैसले भी खैर के आए, शर के नहीं। सबसे पहली चीज़ ये कि समाज की इस्लाह इल्म और बसीरत की बुनियाद पर। सबसे बड़ा मसला क्या है? हल करने के लिए जो लोग खड़े होते हैं कि उम्मत का हाल बहुत ख़राब है, मसाइल हल करने के लिए जो खड़े होते हैं, अक्सर उनमें से वो होते हैं जिनके पास दीन का इल्म नहीं होता। आप देख लीजिए, आम तौर से उम्मत के मसाइल हल करने के लिए जो खड़े होते हैं, सिरे से उनके पास कुरान और सुन्नत का इल्म नहीं होता। ऐसे हल बताते हैं जिससे हल होने वाला नहीं, बल्कि और मसाइल बढ़ने वाले हैं, जिनसे और मसाइल बढ़ने वाले हैं। चलो वो भीड़ लेके निकल गए, मारो पत्थर, चार ने पत्थर मारे, 400 को उठा के अंदर डाल दिया, जमानत भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, परेशान होते रहो। बाज़ औक़ात ऐसा हल लोग पेश करते हैं जो हल नहीं बल्कि खुद एक मिसरा होता है, जिससे हालात बनते नहीं बिगड़ते हैं। हल करने के लिए गए, टीवी पे जाके डिबेट करने लग गए, क्या हम उम्मत के हालात को सुधारेंगे, लोगों की तवज्जो अपनी तरफ करेंगे। वहाँ जाके हालात बनाने की बजाय बिगाड़ दिए। मजीद डिबेट में ऐसी बातें बोली, ऐसे कलिमात इस्तेमाल किए कि जितने लोग वो डिबेट देख रहे हैं उनके दिलों में इस्लाम और मुसलमानों के लिए महब्बत पैदा होने की बजाय, रहम आने की बजाय और नफरत बढ़ गया। अच्छा हो इनको पीस, और देखो इनका बोलने वाला कैसा बोल रहा हमारे बारे में। जो बोलने वाले हैं, जो कुछ कदम उठाने वाले हैं, जो रहनुमाई करने वाले हैं, अक्सर ऐसे लोग उस मुसनद पर बैठ जाते हैं, कब्जा कर लेते हैं जो उसके हकदार नहीं है। लिहाजा समाज की इस्लाह के लिए, समाज के हालात को बदलने के लिए सबसे पहली चीज़ यही है कि वो तबका जो इस जिम्मेदारी को निभाए वो इल्म व बसीरत से माला माल होना चाहिए। और उलमा है, उलमा कौन से, जो कुरान और सुन्नत की गहरी बसीरत रखते हों, जो उस मनहज पर हों, जो उस रास्ते पर हों जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके इल्म के बगैर हल होने वाला नहीं। आप देखिए अरब में कितनी बुराइयां थी, काबा का बरहना तवाफ करते थे, औरतें जिनाकारी में मुब्तला थी, हत्ता हज़रत आयशा की रिवायत में है ऐसे हालात बिगड़े हुए थे अरब के कि एक औरत कई मर्दों से ताल्लुक़ कायम करती थी और जब बच्चा होता था तो जितने मर्द उससे ताल्लुक़ कायम किए थे सबको बुलाती थी और उस बच्चे का चेहरा जिसके मुताबिक उसके हवाले करती थी। सोचिए ना बिगाड़ था रब में। बाप अपने हाथों अपने बच्चे को या अपनी बच्ची को ज़मीन में दफन करता था, सूद आम था, कत्ल गारत करी थी और लोग कबीलों में बटे हुए थे, सालों साल जंगें चलती रहती थी। कितनी सारी बुराइयां वहाँ पर थी। अल्लाह ताला ने पहली 5 आयतें नाजिल की, उनमें किस चीज़ का बयान है, इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़्रा वरब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिलक़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़, इक़्रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, इंसान को अलक से, जमे हुए खून से पैदा किया। इक़्रा वरब्बुकल अकरम, पढ़ और तेरा रब सबसे ज़्यादा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिलक़लम, जिसने कलम के ज़रिए तालीम दी, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इंसान को वो इल्म दिया जो उसके पास नहीं था, इंसान को वो सिखाया जो उसको जिसको वो नहीं जानता था। पहली आयतें इल्म के बारे में नाज़िल हुई, क्योंकि समाज की इस्लाह तब तक नहीं हो सकती जब तक कि इल्म ना आए। सारी खैर की जड़ क्या है, इल्म, और इल्म वाले इस्लाह नहीं करेंगे अगर तो सारा फसाद ही फसाद होने वाला है। दुनियावी मामलात में भी अगर ऑपरेशन करने वाला नहीं जानता ऑपरेशन कैसा करना है, दवा देने वाला नहीं जानता कौन सी दवा है और कब कैसी दवा देना है, बताइए उससे मरीज अच्छा होगा कि हलाक होगा। तो उम्मत के मसाइल को हल करने के लिए जो तबीब है वो तबीब जानता हो कि वाकई मसला क्या है और हल क्या है। 2 चीज़ें जानना ज़रूरी, कम से कम हाल क्या है और हल क्या है, मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है और सोल्यूशन क्या है। अगर ये नहीं जानेगा, देखिए अच्छा डॉक्टर किसको बोलते हैं, जो बीमारी की जड़ को जानता हो। जो सिर्फ पत्तों में रहे वो अच्छा डॉक्टर नहीं है, जो जड़ में जाके देखे कि मसला क्या है, बीमारी की जड़ देखे, वहां से मसले को हल करे। भाई फोड़े फुंसी आ रहे हैं तो बस उसी का इलाज करें, या देखे कि पेट की गर्मी की वजह से हो रही है, खून की खराबी की वजह से हो रही है, वहाँ से उसका इलाज किया जाए तो ये सिरे से ख़त्म हो जाएगा। वरना थोड़ी देर के लिए उसका इलाज कर लिया, मरहम लगा दिया, फिर वापस आ गया। हल करने वाले के पास रब्बानी इल्म होना ज़रूरी है, नहीं तो मसाइल को घटाएगा नहीं बढ़ाएगा, वो मसाइल को घटाएगा नहीं बल्कि बढ़ाएगा। तो पहली चीज़ ये है कि इस्लाह करने वाले आसमानी इल्म के हामिल हों। ज़मीनी इल्म नंबर 2 पे ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आया, कैम्ब्रिज में पढ़ के आया, कौमों के हालात देख के आया। सियासत का इल्म उसके पास है, फिलॉसफी का इल्म उसके पास है, साइकोलॉजी का इल्म उसके पास है, हाँ, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। असल इल्म कौन सा? अल्लाह और उसके रसूल का इल्म। ये जब तक नहीं है तो सही ढंग से इस्लाह कर सकता, ये जब तक के अवाम में नहीं आएगा उनकी इस्लाह हो सकती नहीं, उनकी इस्लाह नहीं हो सकती है। एजुकेशन आम होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन ये एजुकेशन वाकई इंसान को इंसान बनाता नहीं। वो डॉक्टर बनाता, इंजीनियर बनाता, वो ताजिर बनाता, लेकिन वो इंसान को अच्छा इंसान बनाता क्या? गारंटी नहीं है कुछ, उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो डॉक्टर बन के इस्तेहसाल कर सकता है, वो इंजीनियर बन के ख़राब इमारतें तामीर करके लोगों की जानों को ख़तरे में डाल सकता है, वो टीचर बन के बच्चों के साथ बदफेली भी कर सकता है। जब तक कि वो अल्लाह वाला ना बने, तकवा वाला ना बने, आखरत की फ़िक्र वाला, अल्लाह के खौफ वाला ना बने, दीनी इल्म जब उसको नहीं मिलता है, सिर्फ दुनियावी सिस्टम का इल्म उसके पास आए, वो नहीं बन सकता है। तो पहली चीज़ जो है, शुरुआत कहाँ से होती है? आसमानी इल्म और रब्बानी इल्म, कुरान और सुन्नत का इल्म। तो इस्लाह करने वाले के पास भी इल्म होना चाहिए, और इसी इल्म और इसी दवा से कुलूब की इस्लाह होनी चाहिए। कुरान के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया? वो शिफाउल लिमा फिस्सुदूर। कुरान क्या है? दिलों की बीमारी के लिए इसमें क्या है? शिफा है। ये दवा नहीं तो कोई दवा काम करने वाली नहीं है। इस ताल्लुक से आप देखेंगे कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाह करने वालों की सिफत क्या बयान है। तीन चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए, या जो भी इंसान समाज की इस्लाह कर रहा है, तीन चीज़ें उसमें होनी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है, वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना युक़िनून। बहुत प्यारी आयत है। क्या फरमाया? वजअलना मिनहुम अइम्मतन, बनी इसराइल में हमने इमाम खड़े किए, रहनुमा। इमाम किसको बोलते हैं? जो लोगों का कायद हो, लीडर हो, उसको इमाम इसीलिए कहते हैं कि वो आगे होता है। नमाज में भी क्या होता है? इमाम आगे होता है, उसके ताबे हो के सब लोग अमल करते हैं। रुकू तो रुकू, क़ियाम तो क़ियाम, सज्दा तो सज्दा। तो इमाम हमने उनमें खड़े किए, बनी इसराइल में अम्बिया को और उनके बाद उनके मुत्तबईन में से आला किरदार वालों को। वजअलना मिनहुम अइम्मतन, क्या करते थे वो? यहदूना बिअम्रिना, वो हमारे हुक्म के मुताबिक लोगों की रहनुमाई करते थे। मालूम हुआ, लीडरशिप की पहली क्वालिटी ये है कि उसके पास वो रहनुमाई लोगों की करे अल्लाह की वही के मुताबिक। याद रखिए, दीनी रहनुमा, उम्मत का रहनुमा तब तक नहीं बन सकता जब तक कि वो अल्लाह के नाजिल के व इल्म के मुताबिक लोगों की रहनुमाई न करे। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात दीनदार तबके में भी दूसरे फार्मूले आते दिमाग में, अपने को ऐसा करना पड़ेगा तो हालात बेहतर बनेंगे। प्रोफेसर लोग उसके दिमाग में डाल देते हैं, इधर उधर की देख के, इनकी उनकी सोहबत में रह के, वो उनकी सोच में नहा कर लोगों को, उम्मत को वैसे हल देने लगता है जो कि कुरान और सुन्नत वाले हल नहीं है। वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू, हमने उनको इमाम बनाया, रहनुमा बनाया। कब? लम्मा सबरू, जब उन्होंने सब्र किया। तो मालूम हुआ कि रहनुमा बनने के लिए, कौम का मुस्लिह बनने के लिए दूसरी सिफत क्या है? सब्र है। कि जिस इल्म का वो हामिल है उस इल्म पर वो जमे। सब्र के माना क्या है? सब्र के माना है जमना, डटे रहना, भागने वाला ना हो। आया ना हो क्या, अब कौम की हालत बदलेंगे, देखा कोई सुनता नहीं, कुछ दावत चल रही थी तो भी बोले जाओ बाबा, निकल के चला गया, मेरी दुकान अच्छी, मेरा मकान अच्छा, मेरी तिजारत अच्छी, लगे रहो उसके अंदर। या ये मैदान आज था, ये मैदान छोड़ दिया, दूसरे मैदान में लग गया, यहाँ स्कोप ज़्यादा है। लम्मा सबर, जब वो जमे रहे, खुद अपनी ज़ात के एतबार से भी अल्लाह के दीन पर और उस मकसद और उस मनसब पर भी जो अल्लाह ने उनको दिया है, लोगों की रहनुमाई का। लम्मा सबरू, जब वो जमे अल्लाह के दीन पर, हक पर जमे रहे। ये नहीं कि 4 दिन एक फॉर्मूला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, हर 4 दिन में हर मौसम में रंग बदल देता अपना, कभी ये तो कभी वो नहीं, दायमी तौर पर जमे रहना यही हल है, यही हल है, उसी पर जमे रहना। लम्मा सबर, नंबर 2 सब्र करना, डटे रहना, जमे रहना। और नंबर 3 वकानू बि आयातिना युकिनून, और ये जो रहनुमा थे जिन्हें अल्लाह ताला ने इमामत का मकाम दिया, उनकी एक और सिफत क्या थी? वकानू बि आयातिना युकिनून, वो हमारी आयतों पर यकीन रखते थे, क्योंकि सब्र का मदार भी यकीन पर है। उनमें सब्र कैसे आया? वकानू बि आयातिना युकिनून, वो हमारी आयात पर यकीन रखते थे कि अल्लाह ने ये हल हमको दिया है, इसी में हमारी कामयाबी है और नहीं। इतना यकीन होना चाहिए। कौम का कायद, उसे अल्लाह और उसके रसूल की बात पर यकीन। भाई जो अल्लाह ने बताया ना वही बात सही है, हम इधर उधर दिमाग चला रहे अपना मत चलाओ, जो अल्लाह ने बताया ना वो करो। अरे नहीं समझ में आ रहा भाई, नहीं होगा इससे, उसी से होने वाला है। जो अल्लाह ने हल दिया, अला यअलम मन खलक, क्या वही नहीं जानेगा जिसने पैदा किया? तो तेरा खालिक जो अल्लाह है उसका हल नहीं चलेगा और तेरा हल चलेगा? तेरे दिमाग की जो खुराफात और उपज है वो कौम की रहनुमाई के लिए काफ़ी है, और अल्लाह की शरीयत और अल्लाह की किताब नहीं, अल्लाह का दीन नहीं। तो 3 बातें उन लोगों में थी जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौन सा मकाम दिया? इमामत का, यानी कौम की रहनुमाई और उनकी लीडरशिप का। तो उम्मत मुस्लिमा की लीडरशिप के लिए 3 चीज़ें होना ज़रूरी है। नंबर 1 उनके पास इल्म हो। कौन सा? अल्लाह वाला इल्म, किताब और सुन्नत का इल्म। यहदूना बि अम्रिना, वो अल्लाह के हुक्म को जानने वाले। 2 लम्मा सबरू, उनकी ज़िंदगी में सब्र हो। यानी कि इतना कौम को बता रहा, सुनते ही नहीं मेरी बात, जाओ जहन्नम में जाना हो, जाओ मुसीबत में जाना हो, जाओ, छोड़ के चला गया, डटा नहीं, जमा नहीं। कौम ने पत्थर मारे, कौम ने गालियां दी, कौम ने तोहमतें लगाई, कौम ने उसका साथ नहीं दिया, फिर भी जमा रहा। अंबिया ऐसे ही होते हैं। अंबिया कैसे होते हैं? कौम मजाक उड़ाती, तोहमतें लगाती है, मारती है, सताती है, इलाके से निकाल देती है, लेकिन अंबिया अपना काम नहीं छोड़ते। वो अपना काम छोड़ते अल्लाह की इबादत भी नहीं छोड़ते और बंदों को दावत भी नहीं छोड़ते। अल्लाह को पुकारना भी नहीं छोड़ते, बंदों को पुकारना भी नहीं छोड़ते। अल्लाह को बतौर नुसरत पुकारते और बंदों को बतौर दावत पुकारते, नहीं छोड़ते। तो जमे रहना, एक इल्म, दूसरे सबाब, इस्तिकामत, डटे रहना, और नंबर 3 अल्लाह के वादों पर यकीन। ये जो यकीन है, हक का यकीन इंसान को जमाता है। अगर यकीन कमज़ोर हो तो डटता आदमी। आप देखिए मूसा अलैहिस्सलाम, फिरौन पीछे से आया, मूसा अलैहिस्सलाम देखिए क्या कहा, कल्ला इन्न मइया रब्बी सयहदीन, नहीं मेरा रब मेरे साथ है, वो रहनुमाई देगा मुझको। तो वो जो यकीन है वो जमाए रखता है इंसान। सब्र का मदार यकीन पर होता है। तो ये चीज़ जो है, कोई आदमी अगर कौम की रहनुमाई के लिए खड़ा होता है, लोगों की इस्लाह के लिए खड़ा होता है, उसके अंदर ये 3 चीज़ें होना ज़रूरी है, इल्म, सब्र और यकीन। चाहे तो उनकी तरतीब आप बदल दें, इल्म, यकीन और सब्र। इल्म हासिल करना, उस इल्म पर यकीन रखना, और फिर उसके नतीजे में क्या है, डटे रहना उस हक पर जो अल्लाह की तरफ से आया है, तब जाके कौम की इस्लाह का और कौम के हालात को बदलने की जिम्मेदारी पूरी हो सकती है, वरना नहीं। इसीलिए इब्न तैमिया सूरह अस्सजदा के आयत नंबर 23-24, इसीलिए इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फस्सब्रु वल यकीन बिहिमा तुनालुल इमामतु फिद्दीन। सब्र और यकीन ही वो दो चीज़ें हैं जिनकी बिना पर दीन में इमामत का मकाम और मर्तबा मिलता है। एक दीनी मामलात में लोगों का इमाम बने, उनका रहनुमा बने, ये तभी मकाम नसीब होता है जब उसकी ज़िंदगी में सब्र और यकीन हो। हक़ का यकीन और हक़ पर जमना, हक़ का यकीन और ज़िंदगी में इंसान उस पर डटे रहे। उस मैदान को छोड़ने वाला इमाम नहीं बन सकता रहनुमा। आप सलफ़ के वाक़यात को देखिए, उनके दिलों में यकीन पहाड़ों की तरह था। और इसीलिए आप देखिए इमाम अहमद इब्न हम्बल को देखिए, उनसे पहले इमाम मालिक व शाफ़ी व अबू हनीफा और उससे पहले सहाबा को आप देखिए, उनकी ज़िंदगी में कितने मसाइल आए, कितने अजाब उनको दिए गए, कितनी परेशानी आई, डटे रहे। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह के बारे में इमाम इब्न हजर कहते हैं कि खल्क़ कुरान का जब फितना उठा तो इमाम अहमद इब्न हम्बल अकेले थे जो कहते थे नहीं, कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। बादशाह की तरफ से उनको बांध के कोड़े ऐसे मारे जाते थे कि वो अपनी बात से फिर जाएं, लेकिन कहते थे मुझको अल्लाह की आयात लाओ या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ला के पेश करो, मैं मानूंगा, वरना नहीं। कहते हैं कि ऐसा पीटा जाता था, इतना मारा पीटा जाता था कि अगर हाथी को बांध के भी अगर ऐसा मारा जाता तो वो अपनी रस्सी तोड़ के भाग जाता। लेकिन इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह डटे थे। ये इस्तिकामत और ये सबात कैसे मुमकिन होता है? यकीन की बुनियाद पर, दिल में हक़ का यकीन होना चाहिए। तो इल्म, यकीन और सब्र, ये तीन चीज़ें ज़रूरी हैं जो आदमी को जमाए रखती हैं। लेकिन इल्म सरसरी नहीं है। Chapter 1 verse 32 या इस तरह का इल्म नहीं, सिर्फ हवाले उसको याद हो नहीं, बसीरत के साथ इल्म हो, गहरा इल्म के साथ। इल्म कैसा होना चाहिए? गहराई के साथ। इधर से कुछ पढ़ा, उधर से कुछ पढ़ा, इधर से कुछ सीखा, ट्विटर से लिया और इधर से व्हाट्सएप से, उधर फेसबुक से लिया और कौम का रहबर बन गया, कॉपी पेस्ट नहीं। गहराई के साथ उसके पास है। इस आयत का मतलब क्या है? ये कहाँ इसका निफाज हो सकता है, कहाँ इसकी तदबीक हो सकती है? इस हदीस का मतलब क्या है, इस आयत की शरह क्या है, इसका शान नुज़ूल तफसील इंसान को मालूम, तभी जाकर वो सही रहनुमाई कर सकता है। और यही अहले इल्म की जिम्मेदारी है। हर आदमी का काम नहीं है ये, अहले इल्म की जिम्मेदारी और उन लोगों की जो उनकी मातहती में चले हैं। इस ताल्लुक से आप देखिए कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाह व मा अना मिनल मुशरिकीन। सूरह यूसुफ आयत नंबर 108। कुल हादिही सबीली, ए नबी आप कहिए, आप फरमा दीजिए, हादिही सबीली, ये मेरा रास्ता है, हादिही सबीली, ये मेरा रास्ता है, अदउ इलल्लाह, मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, अला बसीरतिन, बसीरत की बिना पर। मेरी दावत की बुनियाद किस चीज़ पर है? गहरी सूझबूझ। लोगों को हक़ की तरफ बुलाने में क्या होना चाहिए? गहरा इल्म होना चाहिए। हिकमत के साथ और तफक्कुह के साथ लोगों को बुलाता हूँ, दलाइल व बराहीन के साथ लोगों को बुलाता हूँ। अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी, मैं भी और मेरी इत्तिबा करने वाली भी। मालूम हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाला कामिल दर्जे में वो इंसान है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह आपके मनहज पर लोगों को दीन की तरफ बुलाए, अल्लाह की तरफ बुलाए। और अल्लाह की तरफ बुलाने में बसीरत के साथ वो दावत दे। जब तक कि बसीरत के साथ दावत नहीं देगा वो सुन्नत के ताबे नहीं, उस मनहज पर नहीं जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाह व मा अना मिनल मुशरिकीन, और सुब्हानल्लाह, मैं मुशरिकीन में से नहीं, मैं मुशरिकीन में से नहीं हूँ। अपनी तरफ से बिल्कुल बरात का ऐलान हो शिर्क से, मैं मुशरिकीन में से नहीं, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता। यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों बातें हैं, इसको ज़रा गौर करें आप, तो आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी। सिर्फ अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ नहीं, कौन नहीं बुलाता है भाई अल्लाह की तरफ। मुसलमानों में इतने फिरते हैं, इतनी खुराफात उनमें होने के बावजूद भी कौन है जो अल्लाह को नहीं मानता। लेकिन अल्लाह ताला को मानने के बावजूद भी क्या है जिंदगी में, कितनों की शिर्क है। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। इनमें से कितने ऐसे हैं कि जो अल्लाह पर ईमान रखने के बावजूद भी मुशरिक हैं। तो एक तरफ तो ये कहा अदउ इल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, लेकिन खाली नहीं कि अल्लाह बड़ा है, अल्लाह की बड़ाई को मानो, अल्लाह अजीम है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह समी है, अल्लाह बसीर है, अल्लाह माबूद है, सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है। अदउ इल्लाह के साथ साथ एक और चीज़ है, सुभान अल्लाह व मा अना मिनल मुशरिकीन, जहाँ अल्लाह ताला की इबादत की दावत हो, अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह ताला की पहचान कराई जाए, वहाँ शिरक के बारे में भी बोला जाए कि शिरक नहीं करना, मैं शिरक नहीं करता। अल्लाह की अजमत का तारुफ अगर कराया जाए तो इसी के साथ साथ लोगों को शिर्क की बुराई भी बताई जाए ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। आज बताइए कितने सारे मुसलमान हैं जो शिर्क में मुब्तला हैं, उनसे आप कहें अल्लाह बड़ा है कि नहीं, बोले सबसे बड़ा तो अल्लाह है, अल्लाह का हुक्म चलता कि नहीं, बोला अल्लाह ही का हुक्म चलता है, रिस्क देने वाला, औलाद देने वाला, सब कुछ करने वाला अल्लाह है कि नहीं, बोले है। फिर फर्क क्या है, बोले बाबा को अल्लाह ने ताकत दी तो वो देते, औलाद भी देते, रिस्क में बरकत देते, इसीलिए तो दरगाहों पे लोग नाड़े बांध रहे, चादरें चढ़ा रहे और उनसे मांग रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं। तो फिर अल्लाह को तो मानता ना, वो मान के भी तो कर रहा नहीं, क्योंकि उसने अल्लाह की बड़ाई को तो माना लेकिन अल्लाह के साथ शिर्क को नहीं समझा कि जो कर रहा हूँ ये शिर्क। तो दावत देने वाला, उसकी दावत कैसी होनी चाहिए, हक का वाजे करने वाला ऐसा होना चाहिए कि जहाँ वो मारूफ को समझाए वो मुनकर का रद्द भी करे। ऐसा ही इंसान समाज की इस्लाह कर सकता है जिसके पास खैर और शर दोनों की मालूमात हो, वो मारूफ को भी जानता और मुनकर को भी जानता हो। जहाँ वो तौहीद को जानता हो वहीं वो शिर्क को भी जानता हो। वो अधूरी दावत देने वाला नहीं, बल्कि वो मारूफ का हुक्म दे और मुनकर से रोके। ये तभी मुमकिन है जब उसके पास इल्म होगा, उसके पास सही बसीरत होगी कि लोगों के सामने हक को कैसे पेश किया जाता है। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह इस ताल्लुक़ से मज़ीद बातें हम किसी आने वाले किसी दर्स में देखेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी और अपने अतराफ जो लोग हैं उनकी इस्लाह की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाएँ, इसलिए कि इसी चीज़ में हमारी बका और इसी में हमारी हिफाजत है। अगर हम लोगों को उनके हाल पर छोड़ दें, उनकी इस्लाह की फ़िक्र न करें, उन्हें दीन से जोड़ने की फ़िक्र न करें, तो फिर जब अल्लाह की तरफ से पकड़ आएगी तो बहुत मुमकिन है उसमें हम भी शरीक हो जाएं, उसमें उसकी चपेट में हम भी आ जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सही तौर पर दीन पर चलने और लोगों को दीन की दावत देने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम।